कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत से केरला स्टोरी पर एक अहम फैसला सामने उभर कर आया दोस्तों, जहां उन्होंने न सिर्फ पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को नसीहत दी बल्कि झूठ के आधार पर, दुष्प्रचार के आधार पर फिल्म बनाने वालों को भी एक सख्त संदेश दिया। मगर समानांतर तौर पर एक राजनीतिक घटनाक्रम भी हुआ था। किरण रिजिजू को देश के कानून मंत्री के तौर पर हटा दिया गया। कुछ दिनों पहले मेरे सूत्र बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी। उस मुलाकात के बाद किरण रिजिजू को हटाए जाने से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल मुलाकात करते हैं किरण रिजिजू से और उन्हें कानून मंत्री के पद से हटा दिया जाता है। इसकी चर्चा हम करेंगे दोस्तों। ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद में तेरे। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाने आया हूं कि किस तरह से डी वाई चंद्रचूड़, इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ताकतवर के खिलाफ, तानाशाही सोच वाली सरकार के खिलाफ, नफरत के खिलाफ और कमजोरों के अधिकारों को लेकर एक बहुत बड़े प्रतीक बनकर उभरे हैं। कुछ लोग उन्हें मसीहा के तौर पर देख रहे हैं। मैं उन्हें मसीहा नहीं कहूंगा, मैं देखना चाहूंगा कि रिटायरमेंट के बाद वो कहां जाते हैं, क्योंकि अक्सर मैंने जजों को देखा है रिटायरमेंट के बाद वो या तो राज्यसभा चले जाते हैं, या आंध्र प्रदेश के गवर्नर बन जाते हैं, या किसी समिति के अध्यक्ष बन जाते हैं, वो भी सरकारी। इसलिए मैं इंतजार करना चाहूंगा। मगर इतने कम समय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जो अहम फैसले सुनाए हैं, उससे एक उम्मीद बंधती है। एक सरकार जो लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों को रौंद रही है और खासकर समाज के अंदर नफरत फैला रही है आधिकारिक तौर पर, उसको लेकर डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालतों के फैसले बहुत मायने रखते हैं। और सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा केरला स्टोरी की। केरला स्टोरी जो फिल्म रिलीज हुई थी, उसको लेकर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जो फैसला सुनाया है ना, वो दोधारी फैसला है। इस फैसले में न सिर्फ ममता बनर्जी की सरकार को नसीहत है, बल्कि सख्त आदेश है द केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर विपुल शाह और उनके डायरेक्टर के लिए भी। सबसे पहले मैं बतलाना चाहता हूं, डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत ने दरअसल अपने फैसले में कहा क्या, क्योंकि मैं आपको बता दूं, केरला स्टोरी इस आधार पर बनाई गई थी कि करीब 32,000 भारतीय महिलाओं को ब्रेन वॉश करके, धर्म का परिवर्तन करके, वो लोग आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल हो गए। 32,000 का आंकड़ा जो सरासर झूठा था, उसका कोई वैज्ञानिक तथ्यात्मक आधार नहीं था। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। कोर्ट ने निर्माताओं से फिल्म में एक डिस्क्लेमर जोड़ने को कहा कि ये घटनाओं का काल्पनिक लेखा जोखा है और इसका कोई डेटा नहीं है जो इस दावे का समर्थन करते हैं कि केरल में 32,000 महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित होने और आतंकवादी समूह आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों कि अगले 2 दिनों में केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर्स को अपने फिल्म के सामने ये संदेश लगाना होगा कि जो हमने दावा किया था कि 32,000 महिलाएं आतंकवादी संगठन आईएसआईएस में शामिल हो गई हैं, वो सरासर झूठी खबर थी। सोचिए दोस्तों, कितनी बड़ी चतुराई, कितनी बड़ी शैतानी, और ये अपने आप में कितना बड़ा गुनाह है कि आप देश की जनता को भ्रमित करते हैं गलत जानकारी देकर, और उसके जरिए समाज में इस तरह से नफरत फैलाई जाती है। और मैं आपको बतला दूं दोस्तों, नसीहत सिर्फ केरला स्टोरी के प्रोड्यूसर्स को नहीं दी गई है, ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल सरकार को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त आदेश दिया है। दोस्तों, मैंने भी अपने एक मंच से कहा था कि उस फिल्म पर पाबंदी लगाना इसका समाधान नहीं है, उससे संवाद कीजिए, उसके झूठ का पर्दाफाश कीजिए। क्या कहा ममता बनर्जी, क्या कहा ममता बनर्जी की सरकार के लिए आपके स्क्रीन पर।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कहा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना पश्चिम बंगाल सरकार का कर्तव्य है, लेकिन फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी सीबीएफसी द्वारा प्रमाणित किया गया है। हालांकि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने जोर देकर कहा, अगर पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी की स्क्रीनिंग की वजह से कोई मुद्दा उठता है तो विपक्ष को सत्तारूढ़ पार्टी को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। याद कीजिए दोस्तों, मैंने अपने ही मंच में कहा था कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है। फिल्म पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती अगर सेंसर बोर्ड ने उसे पारित कर दिया है, यानी डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कल अपने फैसले में दो चीजें सुना दी दोस्तों, दोनों पक्षों के लिए नसीहत जो बहुत वाजिब है। मगर जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, समानांतर तौर पर एक राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा था। किरण रिजिजू, जी हां, किरण रिजिजू जो हैं, उन्हें कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया है। वो इस कदर बौखला गए कि जब आप एक मंत्रालय को छोड़ते हैं ना, तो आप कि जो उत्तराधिकारी हैं उन्हें हैंडओवर करने के लिए आपको मौजूद रहना पड़ता है। एनडीटीवी की यह खबर देखिए, इसमें आप देख सकते हैं अर्जुन मेघवाल जो हैं कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी ले रहे हैं, मगर यहां पर किरण रिजिजू मौजूद नहीं है। हालांकि बाद में उन्होंने तस्वीरें छपवाई, उसको मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये देखिए ये वो तस्वीरें हैं, मगर हैंडओवर के दौरान किरण रिजिजू मौजूद नहीं थे। कौन किरण रिजिजू दोस्तों, जो लगातार सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे थे, चाहे कोलिजियम का मुद्दा हो, रिटायर्ड जजों के बारे में उन्होंने यह तक कह दिया था कि वो लोग भारत विरोधी हैं, कभी राहुल गांधी को पप्पू कहना, कभी अनर्गल बयान देते रहना, किरण रिजिजू की आदत हो गई थी और लगातार सुप्रीम कोर्ट को धमकाने का काम कर रहे थे। मेरे सोर्सेस बताते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई थी और इस मुलाकात में कुछ बातें हुई थी। यह भी पता चल रहा है कि किरण रिजिजू बतौर कानून मंत्री कुछ ऐसी चीजें कर रहे थे जो निहायत ही शॉकिंग है। वो चीजें क्या है दोस्तों, मैं जानता हूं, मगर उसके प्रमाण इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, हमें इंतजार करना होगा। मगर यह कहा जा सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को जो व्यक्ति लगातार निशाने पर ले रहा था, उसे मंत्रालय से हटाना पड़ा, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ कुछ ऐसे फैसले सुना रहे थे जो मोदी सरकार के लिए असहज साबित हो रहे हैं। मोदी सरकार को लग रहा है कि इस फैसले से, जिसमें किरण रिजिजू को हटा दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट नरम हो जाएगा। मगर एक बात स्पष्ट कर दूं, डीवाई चंद्रचूड़ लगातार अभिव्यक्ति की आजादी पर और सरकार के तानाशाही रुख, गैर जिम्मेदाराना रवैये पर अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, अपने फैसले सुना रहे हैं, और इस चीज से तानाशाही सोच वाली सरकारों को लगातार मिर्ची लग रही है। याद कीजिए, जब मोहम्मद जुबैर को जेल में डाल दिया गया था दोस्तों, तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने यह फैसला सुनाया था और इसमें उन्होंने क्या कहा था, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपके स्क्रीन पर। वी डायरेक्ट जुबैर बी रिलीज्ड ऑन बेल ऑन ईच ऑफ द एफआईआर्स इन उत्तर प्रदेश। एग्जिस्टेंस ऑफ पावर्स ऑफ अरेस्ट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स टू अरेस्ट व्हिच मस्ट बी यूज्ड स्पेयरिंगली। देयर इज नो जस्टिफिकेशन टू कीप द पिटिशनर इन कंटिन्यूड डिटेंशन, स्पेशली सिंस द ग्रेवमेन ऑफ एलिगेशंस इन यूपी एफआईआर्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ द दिल्ली पुलिस एफआईआर। इसमें कहा गया है कि भाई, जुबैर ने जो बात कही थी वो समाज के अंदर जो हकीकत थी उसी को उसने अपने ट्वीट के जरिए दिखलाया था, और एक ही मुद्दे पर दर्जनों एफआईआर करना जायज नहीं है, ये सब खारिज कर दिया था डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने। न सिर्फ उन्होंने खारिज किया था बल्कि जुबैर को बेल भी दे दी थी, और यह पहली बार नहीं है जब उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में अपनी बात कही थी। याद कीजिएगा, इंडियन एक्सप्रेस के समारोह में डीवाई चंद्रचूड़ मंच पर थे, उनके साथ में राजकमल झा जो कि इंडियन एक्सप्रेस के संपादक वो, और सामने मोदी सरकार के दो मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और रविशंकर प्रसाद, और वहां से फेक न्यूज पर क्या कहते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। अंग्रेजी में दोस्तों इनका यह बयान है जिसका मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं।
यहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि फेक न्यूज यानी फर्जी खबरें समुदायों के बीच में तनाव पैदा कर सकती है और यह लोकतंत्र को बर्बाद कर सकती है। फेक न्यूज लगातार तनाव पैदा करती है और यह जरूरी हो गया है कि सच और झूठ के बीच जो फर्क है उसे पाटा जाए, उसे खत्म किया जाए। फेक न्यूज लोकतंत्र के लिए दिक्कत पैदा करती है, ये उन्होंने अपने बयान में कहा था और साथ ही ये भी कहा था कि हमें इस समाज में ऐसे पत्रकार चाहिए जो सत्ता को आईना दिखाएं, ताकतवर लोगों से सवाल पूछें। सुनिए उन्होंने क्या कहा था और आप देख सकते हैं नीचे मैं उसका अनुवाद जो है लगातार चलाता रहूंगा। अंग्रेजी में बयान है और नीचे उसका अनुवाद चलेगा, पढ़िएगा देखिए। A functional and healthy democracy must encourage the development of journalism as an institution that can ask difficult questions to the establishment, as it is commonly known, speak truth to power. The vibrancy of any democracy is compromised when the press is prevented from doing exactly this. The press must remain free if a country is to remain a democracy. I find myself disagreeing with many journalists. After all, who amongst us agrees with all other people? But disagreement must not distort into hatred, and hatred must not be permitted to evolve into violence. और डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने बार बार अभिव्यक्ति की आजादी के सही मायनों को समझा। याद कीजिए मीडिया वन, एक मलयालम चैनल मीडिया वन पर केंद्र सरकार ने पाबंदी लगा दी थी क्योंकि उनके लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि मीडिया वन लगातार केंद्र सरकार से सवाल कर रहा था। मीडिया वन के लाइसेंस को जब रिन्यू नहीं किया गया था तब यह मामला डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत के सामने गया और तब उन्होंने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इनके लाइसेंस को बहाल किया जाए। क्या कहा डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने आपके स्क्रीन्स पर, अंग्रेजी में है, मैं फिर इसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। डीवाई चंद्रचूड़ साहब कहते हैं, स्टेट इज यूजिंग प्ली ऑफ नेशनल सिक्योरिटी टू डिनाई राइट्स ऑफ सिटीजंस। इसका हिंदी में अनुवाद यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि राज्य जो है यानी सरकार जो है वो नागरिकों को उनके अधिकारों से वंचित रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना ले रही है। आगे वो क्या कहते हैं, This is incompatible with the rule of law. ये कानून के खिलाफ है। National security claims can't be made out of thin air. राष्ट्रीय सुरक्षा की बात ऐसे हवा हवाई नहीं की जा सकती। सख्त टिप्पणी यहां पर उन्होंने की थी और यह चीज लगातार मोदी सरकार को चुभ रही थी। और सिर्फ यही बात नहीं है दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन मुद्दा था, कुछ लोगों का बकाया जो करीब 25 से 30 हजार करोड़ रुपए था। यह मामला जब डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत के सामने पहुंचता है तो केंद्र सरकार अपनी बात बंद लिफाफे में कहना चाहती है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब कहते हैं यह बात बंद लिफाफे में नहीं कही जाएगी, बिल्कुल जिस तरह से उन्होंने मीडिया वन की पाबंदी वाले मामले पर कही थी। उन्होंने कहा जो बात कहनी है खुलकर कहो। और तब सरकार को यह कहना पड़ा था कि हमारी आर्थिक हालत बहुत कमजोर है, हम इतने पैसे नहीं दे सकते। यानी कि यह सरकार हमारे सैनिकों के नाम पर तो राजनीति करती है मगर जब वन रैंक वन पेंशन का बकाया देने की बारी आती है तब ये लोग अपने तेवर बदल लेते हैं। वन रैंक वन पेंशन पर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इस सरकार की नीतियों को एक्सपोज किया था। और ये ना भूलें अभी हाल ही में केजरीवाल बनाम एलजी ऑफ दिल्ली ये मामला आया था और अदालत के सामने सवाल ये था कि जो नौकरशाह हैं, जो अधिकारी हैं, उन पर किसका कंट्रोल है, केजरीवाल का या लेफ्टिनेंट गवर्नर का। तो डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत ने साफ तौर पर एक फैसला सुनाया और वो फैसला क्या था, उस फैसले में उन्होंने ये कहा कि केजरीवाल की सरकार चुनी हुई सरकार है इसलिए जो भी अधिकारी होगा वो केजरीवाल के प्रति यानी कि केजरीवाल सरकार के प्रति जवाबदेह होगा, एलजी के प्रति नहीं। क्योंकि एलजी जो हैं सक्सेना साहब वो मोदी सरकार के नुमाइंदे हैं,
उन्हें जनता ने नहीं चुना है, मगर अरविंद केजरीवाल के 63 विधायकों को जनता ने चुनकर भेजा है। इसीलिए यह बेहतर है कि जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो अरविंद केजरीवाल को रिपोर्ट करें, किसी और को नहीं। यह फैसला सुनाया था। और उसी दिन एक और फैसला आया था महाराष्ट्र का। एकनाथ शिंदे सरकार उस फैसले के बाद बची जरूर रही, मगर जिस तरह से चुनकर आई, डीवाई चंद्रचूड़ ने उन दोनों मुद्दों पर सवाल उठाया, उस पूरी प्रक्रिया को गैर वाजिब और कानून के खिलाफ बता दिया। मसलन उन्होंने यह कहा कि उस वक्त के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के पास विश्वास मत फ्लोर टेस्ट बुलाने का कोई अधिकार, कोई सामग्री नहीं थी, नंबर एक। नंबर दो, जिस तरह से स्पीकर ने एकनाथ शिंदे खेमे यानी शिवसेना का चीफ व्हिप नियुक्त किया, वो सरासर गलत था। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों? कहने का अर्थ यह है कि पूरी प्रक्रिया ही बेमानी थी। मगर डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने आगे यह भी कहा कि चूंकि उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए अब हम उन्हें बहाल नहीं कर सकते। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दूं कि उनके फैसले पर सवाल जरूर उठे थे, और मैंने भी अपने मंच से यह सवाल उठाया था और पूछा था कि मीलॉर्ड, अगर आप पूरी प्रक्रिया को ही गैर वाजिब बता रहे हैं, गैर कानूनी बता रहे हैं, और यह कह रहे हैं कि यह कानून सम्मत नहीं था, तो फिर एकनाथ शिंदे की सरकार क्यों चल सकती है? उसे बर्खास्त क्यों ना किया जाए? बहरहाल अब यह मामला जो है वो 7 जजों की खंडपीठ के सामने है और उसमें फैसला होगा। देखते हैं क्या फैसला सामने उभर कर आता है। मगर आज जो मैंने आपके सामने तमाम मिसाल पेश की है दोस्तों, वो ये प्रमाणित कर रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ तानाशाही सोच के खिलाफ एक प्रतीक के तौर पर उभरे हैं। ये ना भूलें, सीक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड्स, गुप्त चुनावी चंदा, ये मुद्दा भी उन्हीं की अदालत के सामने है। और चुनाव आयोग, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार की कठपुतली था, वो मामला भी उनकी अदालत के सामने गया। और चुनाव आयुक्त जिस तरह से नियुक्त किए जाते हैं, उस पूरी प्रक्रिया को ही डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने बदल दिया, पलट दिया। और इन तमाम चीजों से मोदी सरकार के प्रचार तंत्र को जबरदस्त मिर्ची लगी थी। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ आम इंसान की उम्मीद बने रहेंगे। मोर पावर टू आर चीफ जस्टिस। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।